शिक्षालोक यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत पिलाने आज वीडियो रे आमे नवम श्रेणी साहित्य धारा पुस्तक कहा मुख अनाय वंशी शीर्षक कवितार तृतीय पद ठार अष्टम पद पर्यंत आलोचना करिबा। तेबे प्रथम तृतीय पद अच्छी बांधिबी कहार केश कुसुमे करी सुबेश कहा ललाटरे देवी चिता कहार कने कुंडल खंजीबीरे मोर बाल कहापाई करूबी चिंतारे जीवधन कहा अंगु धूली देवी पोछी कहाकुबा पिंधाइबी काछिरे। पिला माने माँ जशोवंतीकर मन एठी बिलपी उठी कारण तांकर स्नेह बला एकुर बला कृष्ण आज तांकु छाड़ी सबुदिन पई गोपपुर को चली जाउछ। तेणु पुत्र कृष्णर प्रत्येक घटना को माँ मने पकाइछन् मातृहृदय भावना को एठार कवि प्रकाश करछन्ती। से कहउछन्ती बांधिबे कहार केश रे कन्हा रे कन्हई रे कृष्ण तू जदि चली जीव सबुदिन पई मधुपुर को तेबे मु आउ कहार केश बांधिबी। साधारण पिला माने माँ छोट पिलार समस्त कार्यकलाप को सी करती गाधवा खाइबा पीवा पिंधिबा सब प्रकार कार्य को माँ ही करी। तेणु इटि माँ जशोदा कहते हरे कान्हा तू जदि मधुपुर को चली जीवु तेल बांधिबी कहार केश तो मुंडर जो केश को मुपर बांधिबी आउ कुसुमे करी सुवास बणर फूल को सुंदर भाव में माँ कौन करती आणिकी भगवान कृष्णकर मानने मथार मुंडर थिबा केश को अत्यंत सुंदर भाव में बांधि पुणी कहले कौन कहा ललाटरे देवी चितारे पुओ कृष्ण कन्हैया सुंदर देखा जावाई माँ कौन करुले दैनिक कपाड़े ललाटे कौन करुले चिता बांध मारी दे चिता को लगे दे कि बर्तमान माँ कौन तू चलीगला कहार ललाटे चिता देवी रे धन आउ कहार कने कुंडल खंजीबी रे मोर बाल रे मोर बालक रे मोर कान्हा मु आउ कहार कर्ण रे कुंडल खंजी देवी एवं कहा पाई करूबी चिंतारे धन तू जिते बड़े अच्छू मु तो चिंता करूली कि तू चली जीवु जिते बड़े दूर को अर्थ मत छाड़ी सबुदिन मधुपुर को चली जीवु तो से आउ कहार चिंता करी आउ कहा अंगु धूली देवी पोछी जिते तू खेलिकी आसुलु तो देह धूली धूसर होते माँ हिसाब से मुझ मोर पणतकानी आनी से धूली गुड़क झाड़ी देखी अथच तू आदि जो चली जीवु तोर अनुपस्थित मुझे देखी तो मुझ किए मो पाखे थे कहार अंगर धूली झाड़ी देवी क्या काछी पिंधे देवी काछी पिला अर्थ हूँ काछा छोट पिला साधारण पिंधती जोटा कि आम मुनि ऋषि मैंने पिंधती छोटिया लुगा बा काछा बोली कहती माँ पिंधे दूसरे तू ये माँ कहते तुम्हें चलीगले मुझे क्या पिंधेबी धन पुणी कौन कहले चतुर्थ पदर कौन अच्छी जिते बड़े बने जाऊ तू जिते बण को जाऊल कहीं आम जानी कृष्ण भगवान गोपाल सांग मान सहित गोपाल बालक मान सहित नित्यदिन गाई गोर को नहीं कि बण को जाऊे तेणु माँ कहते जिते बड़े बने जाऊ संगे मोर प्राण ने अर्थ मोर प्राण से न थाए कहीं माँ सदा बेले देख पाने आम जिते घर स्कूल को जाऊँ कौन सी कारण माँ दूरे जाऊ माँ मन सदा आम पाखे थाए आम भल मंद कथा से चिंता कर जदिओ कतेदिन से मामू जाए कि आम भलमंद कथा चिंता करेंगे माँ कहते जिते बड़े तू बण को जाऊ बने अर्थ बणरे जाऊ संगरे तो अर्थ तू गला बेले मो संगे मो सत मोर प्राण नहीं जाऊ एवं निमिषे क्षणिक समयपाई विच्छेद मुझ सही पारे ना रे धन तोर अनुपस्थित को मुझ क्षणिके सही पारे ना एवं जीव मथुरा को समर्पी मत समर्पी क्या जदि तू ए मथुरा को जीवु तेल कहीदे धन तू मत क्या समर्पी देजु अर्थ क्या पाखे मत तू छाड़ दे चली जीवु जहाँफल कौन करी ताखे रही ते मन पक मुश्चय तत्ते छाड़ पारि धन कहीं तू मोर सर्वस्व तो बिना ये जीवन अधूरा हो जहाँफल कौन कर चंद्रमुख न देखिले मुहिरे जीवधन जीवन हारि गंड जड़े जदि मु तोर मुख को न देखी तत्ते दैनिक टे न देखी तेल मुर जीवन को हारिदेवी कौटी ना गंड जल अर्थ पे गभीर जल गंड अर्थ साधारण आम जाना जो गभीरता थाए जलर से कहते गभीर जल बा गंड जल बोली कह जाए तेणु कवि कही गंड जल मान माँ भावुंज गंड जल निश्चित भाव में कौन करी मो जीवन को हारिदेवी अतएव तू
मते अंतर हेले तिलेरे गार। तू यदि मोठारु अंतर हेजिबु दूरे हेजिबु चली जिबु मधुपुर को तारे मु निश्चित आत्महत्या करी। देखते पिला माने केते भलो पाउछंती बा कृष्ण कन्हैया को कहीं ना से एक बड़ा बेसी केशव तर गोटे बोली पु वृद्ध काल तेणु माँ सदा बेले निजर संतान मान बहुत बहुत भल पाती तेणु ये जना पड़े मातृहृदय केते स्नेह बसला सीए तार संतान बसला सीए से कथि स्पष्ट भाव प्रमाणित पुनर्वार पंचम पदर कौन कौन सर लवणी अधाम पक्व रंभा सुधा सम सर लवणी अधाम पाने क्षीर प्रस्तुत राबिड के कहती अधाम एवं कौन कहे पक्व रंभा पक्व अर्थ पाचिला रंभा पक्व रंभा अर्थ हो पाने पाचिला कदमी साधारणत पाने कौन करते जशोमती कृष्ण कन्हैया को प्रत्येक दिन सर लवणी खाई कहीं आम जानी सी लवणी प्रिय माखन प्रिय बोली कहुए नहीं कि तेणु सर लवणी अधाम पक्व रंभा सुधासम सुधासम अर्थ पिला हूँ अमृत तुल्य सुधा अर्थ हो अमृत समर्थ समा तेणु सुधा समर्थ अमृत तुल्य लवणी अर्थ तो जानचे लहणी है कि पक्व रंभा अर्थ पाचिला कदमी एवं आम देखने कौन पक्व रंभा सुधासम मुखे देले थु थु कर फिंगू जिते मुझे तेज स्नेहरे कौन कैर नहीं कि तो पाटी सर हो लवणी हो अधाम राबिड हो कि पाचिला कदमी टे दिए तू कौन कर थु थु कर फिंगी दूल एवं कौन होते रूपे नाली आई शब्द अर्थ हो पा मैंने कौन ना खुशामत कर देखिए माँ मैंने आम कोई छोट पिलाे आम खुआते आम यदि कौन कर न खाऊ से कौन करते जन्मा को देखे दूसरे किंबा ये भूत आईलाणी से पाई आईलाणी विभिन्न प्रकार आल करके आम खुआ जहाँ फिर आम अन्न मनस पाला आम पाटे से खाद्य खुआई देते तो ये कवि कौन माँ से भावुँ जिते रूपे नाली आई परसिले बड़ी आई तते परसी बड़ई तते इच्छा विरुद्ध मुझ खुआईले भी तू कौन करूँ बेले बेले रागि जाऊ आ करूँ ना कूपे उठी पाक भाण अर्थ पिला मैंने कौन ना आम रोसे जो कराए रंधन जो पात्र कराए कहती पाक भाण तू कौन करू रागिकी भांगी दौ दे कौन कूपे उठी पाक भाण भांगुरे जीवधन एबे दूरे दूर हो से कथा तू चली जीवु ना आ कि भांग से कथा आस्ते आस्ते मो कौन हम दूर होती मुझे के भूली पारिनी धन कहीं तो प्रत्येक घटना मोर मन पड़ प्रति मुहूर्त में तेज मन पकेबी एक माँ भाव कि न करे दारुण विधाता से विधाता को धिकार करजर भाग्य को धिकार करें भाव में निष्ठुर है मोप विधाता मो पाखु मो पु को छड़ नौ अर्थ माँ पाखु पु को छड़े नौ विधाता को से निष्ठुर बोलिकापर ष्ठ पद कौन कहे छाई अनाई डरू धाई मत कलु करू तू छाई डरू था धन जहाँफल से छाई देखीद तू धाई आसी अति भयर धाई आसी कौन करू मत तू कोलो कर तो धारी कुंडे की धरू एवं मोर बसने लुगा पिंधि लुगार तू निजर मुख को घोड़े दौलु धन हो थर 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 हर हो तू थरी जाऊ था देखिले अंधार घर जो अंधार घर देखू से तू थरु भय भय करू एवं उच्च पावच्छ अर्थ पिला मैंने पहाच उच्च पावच्छ न पारू उठिए जीवधन प्रत्येक घटना को मन पकई माँ आज जितेबले उठी पार नु कौन उच्च पहाच को उठी पार नु अंधार को देखी डरुलु तु जो मधुपुर को जीव धन से हस्ती अर्थ हाथी घोड़ा हाथीर प्रतिशत कौन करी पारे ए घोड़ा रोचे बाजी बा हय हो पारे ये जो घोड़ा हाथी मान देखू से गुरु गर्जन करेंगे से मतलब हाथी पिंकार घोड़ा जितने कौन कर गर्जन कर स्वर कर तू निश्चा डरीजु धन गर्जिले न पुण डरू श्याम तेरु के सुंदर भाव में कही आप कौन कहले सप्तम पदरे कांथे देखी चित्रपंक्ति चित्र समूह हाँ कांथर जो चित्र अंकन करगुड़िक जदि नाना भयंकर मूर्ति को यदि कांथरे तू के देखू तो भय भये जाऊ से घर पलाई से घर को छाड़ी जो घर कांथरे या चित्र से घर को छाड़ी तू पल जाऊ कौन हुए एवं कंसपुर जीवू तू बर्तमान यू मधुपुर जोटी कंस राजा राजूति चली जोटी अन्य राक्षस राक्षसी मान प्रभाव रही कंसपुर को जीव देखू राक्षस मान देखू राक्षस मान देखू डरी क्या धरबू जाइरे जीवधन जितेबले तू ये मो पाखे थिलु ना तू जहाँ डरुलु जिते बड़े अंधार को देखी डरुलु आसिक मत डरुलु
ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖୁଥିଲୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିକି ମୋତେ ଧରି ପକାଉଥିଲୁ ଯାହା ପଡ଼ିକି ମାଆ ମାଆ ବୋଲି କହିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଯାହା ପଡ଼ିକି ଧରି ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ମଧୁପୁରରେ ସେତେବେଳେ ତୁ ଭୟରେ ଆଉ କାହାକୁ ଧରିବୁରେ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲେ କବି ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାଇରେ ଜୀବଧନ ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସେଠି ଆଉ କେଉଁ ମାଆ ମୁଁ ଥିବିକିରେ ଧନ ତୋ ପାଖରେ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଆ ବୋଲି ଡାକିବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାଆ ମାତୃତ୍ୱ ହୃଦୟର କି ଭାବନା କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବିଙ୍କର କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାହାବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ ସେଇ ଧନ ସେଠି ତୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ ତୋର ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ କିଏ ତୋର ସାହା ହେବ ତୋତେ ଆହା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବା ତୋତେ ଆହା କରିବ ନିଶା କାଳେ ରାତିରେ ନିଶା ଅର୍ଥ ପିଲେ ରାତି ରାତି ସମୟରେ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଉଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଆସେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ତୋତେ ଭୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସପନ ଦେଖିକିରି ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଭୟରେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଥିଲୁ ଯେ ଭୟ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବିଳିବେଳେ ଉଠୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମା' ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡ଼ୁ ପୁଣି ଶୋଇ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୋର ବାସ ବା ମୋ ଲୁଗାକୁ ବାସ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ଲୁଗା ବାସ ଅର୍ଥ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ତ ଏଠି ବାସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁଗା ତେଣୁ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ମାଆଙ୍କର କି ସେଇ ବାସକୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରିରେ ଆଜି ମୁଁ ସେହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ଯେ କେମିତି ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କ'ଣ କରିବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ବା ମାନେ ସହ୍ୟ କରିବି ସେ କଥାକୁ ମାଆ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରିରେ ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ ଧନ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ତୁମେ ଡାକୁଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମାଆର ମନ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଏସବୁ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଗତ ପ୍ରାଣ ଜନନୀର କ୍ରନ୍ଦନ ତା ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମଗ୍ର କବିତାଟି ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଦାରୁଣ ଶୋକାଶୋଚର କରୁଣ ବିଳାପରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ପୁତ୍ରର ଅଭାବରେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ନିଜ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ମନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରିରେ ଏ କଥାକୁ ସେ ମନା କରି ମାନେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ କ'ଣ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ବା ମରଣ ମୋର ହେବ ଏ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷରେ ବା କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ବାସ୍ତବରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେଣୁ ତୁମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।